फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं बखली। अभी 6:07 हो निकल गए सब हम लोग। एक R15 है, 2 ड्यूक है 200, एक RTR 204 भी है। सब आ रहा है पीछे। चलिए यहाँ से शुरू होता है हमारा बखली का रोड ट्रिप। आज लॉकडाउन के बाद पता नहीं क्या होगा, खुला है कि नहीं पूरा ये भी पता नहीं अभी तक। तो पूरा सब कुछ लेके निकला, सारे सामान सबके पास, हेलमेट वगैरह, सेफ्टी वगैरह सब कुछ लेके साथ में निकला। अभी सीधा हम सबके सब पेट्रोल पंप जाएंगे, टैंक फुल करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। ये गजब का आइटर और ड्यूक पीछे रह गया, शायद पीछे आ रहा है बिल्कुल हमारा एकदम से। ये दोनों बातें करते हुए जा रहा है। क्या हुआ? हमारे पेटे नहीं है नीचे। ये आगे रख लो और ये पीछे रख लो। तुम्हारा वो आगे रख लो और ये पीछे रख लो। हल्का है। हाँ ये तो भारी है।
सो फ्रेंड्स, सब बखली के लिए निकल चुके हैं अभी तक, तो आधा 5 किलोमीटर लगभग आ गया अभी। अभी टाइम हो रहा है 6:13, RTR 204B1 है और ड्यूक 202 है और एक R15 है और मेरा रिक्शा 250 है और लगभग हम 6, 8, 9, 10 बंदे जा रहे हैं फ्रेंड्स मिल के सारे। काली पकड़म रेडी किया मैंने, सबको बुलाया, सबको कॉल करके कि घूमने जाना है कहीं एक दिन, तो चलो कल ही सुबह निकल जाते। इसीलिए कल रात को हम लोगों ने सब कॉल करके बात करके सुबह ही निकल गया सबके सब। अभी यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे गोचरण स्टेशन पे, गोचरण पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से सारे सबके टैंक फुल करेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से सीधा निकल जाएंगे कुल्पी रोड पकड़ के। गोचरण से शायद पूरा 100 किलोमीटर होगा लगभग, और ये लॉकडाउन का बाद पहला ही ट्रिप है एक हम लोगों का है। अभी तक पूरा खुला है कि नहीं ये भी नहीं पता, लॉकडाउन खुल गया है ये तो पता है, बाकी वहाँ सब कुछ होटल वगैरह सब कुछ खुला है कि नहीं ये नहीं पता। जा रहे हैं, अगर होटल नहीं खुलेंगे हम रात तक वापस आ जाएंगे, नहीं रुकेंगे कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, घूम के आ जाएंगे। क्या लग रहा है, अच्छा है ये जो BS6 का 200 है ड्यूक, भाई के पास भी एक GoPro है, मेरा पास भी है, तो आशादुल का एक चैनल भी है जो कि राइडर बॉय आशादुल नाम करके YT चैनल है यार, उसको भी सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स है सब। रोड पे क्या क्या होते आप लोग देखते रहना बस, ट्रिप मज़ेदार होंगे ये पता है, बस आगे देखते हैं क्या होता है। और MT का वो ग्लास प्लेट ख़राब है शायद, इंजन बहुत हीटिंग भी आ रहा है, इसीलिए वो मेरा घर पे छोड़ के आ गया, गाड़ी पे बैठ गया एक गाड़ी पे, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था इंजन इसीलिए नहीं लिया। अच्छा है 204 भी, ये भी अच्छा है, सारे गाड़ी अच्छा है, बस ये कि R15 V2 वाला है और इसका आगे का टायर है ही नहीं, बिल्कुल पूरा ख़राब है, हवा निकल जा रहा है, इतना ख़राब हो गया टायर पूरा, फिर भी लेके निकल गए गाड़ी, सही नहीं था सब कुछ। अचानक मतलब डिसाइड हुआ कि कल चला जाएंगे, इसीलिए जो भी जैसे भी है ऐसे लेके हम निकल गए। सिर्फ मेरा गाड़ी को थोड़ा एक कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, एखने ट्रेन कर दी भलो है মুঙ্গচরণে। भाई का गाड़ी 2-3 महीने से पड़ा था, उसको इंजन ऑयल चेंज करना है क्योंकि इंजन ऑयल ख़राब हो गया है बिल्कुल भी। और इंजन ऑयल चेंज करने तो है, R15 पे जो बैठा है उसे पहले बोला था एक फ्रेंड्स जो कि बाइक मैकेनिक है, किसी का गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आए तो बस हो जाएगा सब कुछ रास्ते में। अभी ये RTR 204B का इंजन ऑयल चेंज कर लेंगे हम रोड पे, पेट्रोल डालने के बाद इसका इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं यहाँ पर।
लगता है आगे वो मेरा एक फ्रेंड का गैरेज भी है। गोचरण पहुंच गए हम लोग, वहाँ पर अगर वो गैरेज अभी तक खुला है तो वहीं पे इसका इंजन ड्रेन करके, इंजन ऑयल ड्रेन करके इंजन ऑयल डाल देंगे फिर, और हम लोग सब पेट्रोल भर लेते हैं अभी जाके। कुलबी रोड पकड़ लिया हम लोगों ने, अभी जा रहा है पेट्रोल पंप जा रहा है इसलिए इस साइड जा रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा मेरे को हम लोगों को उस साइड पीछे की तरफ। यहाँ शायद अभी तक नहीं खुला अभी लोगों ने। पावर डाल लेते हैं, 600 का डाल देंगे तो आना जाना हो जाएगा शायद। 100 अप डाउन 200 किलोमीटर होगा लगभग। 600 600। দেখো আরটিআর এর ইঞ্জিন অয়েলটা চেঞ্জ কর দাও, আরটিআর এর আরটিআর এর মোবিলটা ইয়ে করে দিতে হবে। লিটার পাঁচ 700 105 का हो গেয়া পাওয়ার, 105 का हो গেয়া পাওয়ার। खतरनाक ओए पावर 105 है बैके।